कैसे हो करहल के प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों की शिक्षा में सुधार जब मूल संस्था के शिक्षक ही कई और कर रखे हैं अटैच। खबर करहल से है। करहल आदिवासी विकासखंड की शिक्षा की अगर बात की जाए तो शासन का ये भरकस प्रयास है कि यहाँ आदिवासी बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में बेहतर सुधार हो सके, मगर इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए करहल का स्थानीय शिक्षा प्रशासन कितना सजग है ये आप इस खबर को देखने के बाद समझ जाएंगे। करहल अंचल के कई प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को वरिष्ठों के आदेश से दूसरे विद्यालय या संस्थान में अटैच कर दिया गया है। इस चक्कर में अंचल के कई विद्यालय केवल एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शासकीय प्राथमिक विद्यालय सरारी की, जहां कक्षा 1 से 5 तक के छात्र को पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 ही शिक्षक पदस्थ थे, मगर अभी एक वर्ष पहले ही यहां से एक प्राथमिक शिक्षक प्रकाश आदिवासी को लोक सेवा केंद्र करहल में अटैच कर दिया गया। अब आलम यह है कि सरारी का 75 बच्चों वाला स्कूल सिर्फ एक शिक्षक राम अवतार आदिवासी के भरोसे चल रहा है, जिससे बच्चे क्लासों में शिक्षक न होने की वजह से पढ़ने की जगह खेलते रहते हैं। इसी तरह एकीकृत शाला शासकीय माध्यमिक विद्यालय परतवाड़ा में भी कक्षा 1 से 8 तक के लिए केवल 4 शिक्षक ही पदस्थ है। वहीं उनमें से एक शिक्षक भूप सिंह कुशवाहा को खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा लगभग एक वर्ष पहले बमोरी स्कूल पर शैक्षणिक व्यवस्था के तहत भेज दिया गया था, मगर यह अटैचमेंट करते समय शिक्षकों की कमी के साथ साथ ये बात भी ध्यान में नहीं रखी कि जिस भूप सिंह कुशवाहा शिक्षक को अटैच किया जा रहा है वे उस ग्राम के BLOB है। इसी तरह करहल के शासकीय बालक शाला में पदस्थ शिक्षक राकेश गुप्ता को भी आदेश की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी भीमनगर में ही अटैच कर रखा है। अब इन अटैचमेंट से शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा होना लाजमी है। वहीं सहायक आयुक्त का कहना है कि हम जल्दी सभी अटैच शिक्षकों को मूल संस्था में रिलीव कर देंगे। करहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आपका राम अवतार आदिवासी, कौन सा विद्यालय है ये? शासकीय प्राथमिक विद्यालय सरारी। यहाँ पे कितने शिक्षक हैं? अभी 2 शिक्षक थे, वर्तमान में एक ही शिक्षक है, जो एक शिक्षक लोक सेवा केंद्र में अटैच कर रहा है। अच्छा, ये तो मतलब आप ही के भरोसे चल रही है यहाँ सारी व्यवस्था पढ़ाई की? जी। तो ये 3 क्लास में जो बच्चे हैं आप एक में पढ़ा रहे थे, तो 2 बच्चों को 2 क्लास में कौन लेता है फिर सर? कैसे पढ़ा पाते होंगे आप? तो उनको एक क्लास को होमवर्क दे देते हैं तो फिर दूसरे में आ जाते हैं, दूसरे को दे देते हैं तो तीसरी क्लास। तो कहीं ना कहीं आपको भी ये कमी लग रही होगी कि शिक्षक की वजह से? आप कमी तो सबको लग रही है, मुझे शिक्षक की आवश्यकता यहाँ पे है। हाँ है, 2 शिक्षकों की आवश्यकता। दूसरे शिक्षक को कब से अटैच कर रखा है? एक वर्ष हो गया। एक वर्ष से अटैच? जी, एक वर्ष से ऐसी चल रही है व्यवस्था। जी, ऐसी चल। परेशानियां तो आ रही हैं? आ रही है। आपने कभी मांग की कि मेरे शिक्षक की दिया जाए? हाँ, मैंने मांग की है लेकिन नहीं दिया। नहीं, अभी वापस नहीं किया। किससे मांगी आपने? DO साहब से और जन शिक्षा केंद्र से मांग की थी। क्या बोले वो? वो कह रहे थे हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा तो प्रभावित हो रही है? हो रही है। बच्चे जो सीखना चाहते थे वो नहीं सीख पा रहे? नहीं सीख पाए। एक शिक्षक कहाँ तक संभाल रहे? 1 से 5 सर्वे में भी ड्यूटी लगी है, जो असाचर वाली है वो पूरी नहीं हो पा रही है अभी। अच्छा, सर्वे में भी ड्यूटी है? जी। अब कहाँ बच्चों को अकेला जहाँ छोड़ेंगे तो वो आपस में लड़ेंगे, तो इसकी जिम्मेदारी तो मुझ पर भी आती है, तो कैसे छोड़ दें?